हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स पेंटिंग बुक वन का मॉड्यूल टू इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आर्ट का लेसन नंबर 7 क्यूबिज्म सरलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक व्हिच इज परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। बिफोर प्रोसीडिंग लेट सी द पिक्चर ऑफ परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, मीडियम ऑयल ऑन कैनवास, डेट 1931, साइज ऑफ दिस पेंटिंग वाज 9 x 1/2 inch x 13 inch, आर्टिस्ट वाज सल्वाडोर डाली, कलेक्शन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यूयॉर्क। जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। सल्वाडोर डाली इज द मोस्ट फेमस सरियलिस्ट पेंटर। ही वॉज अ स्पेनिश पेंटर, फिल्म मेकर एंड राइटर। ही अडॉप्टेड हाईली रियलिस्टिक टेक्निक। ही कंटिन्यूड विथ हिज प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग विच ही हैड मास्टर्ड इन हिज यूथ वाइल स्टडिंग। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विथ फॉर्म, He used his drawings to depict the world of absurd, unusual and strange elements. जो सल्वाडोर डाली थे वो सरियलिस्ट पेंटर के बहुत ही ज्यादा फेमस थे और वो एक स्पेनिश पेंटर थे, साथ में वो फिल्म भी बनाया करते थे और एक राइटर भी थे। उन्होंने रियलिस्टिक टेक्निक को अपने पेंटिंग में अडॉप्ट किया और जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने ड्राइंग में भी मास्टर हासिल कर लिया था। कुछ पीरियड के दौरान उन्होंने क्या किया, अपने ही पेंटिंग के फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वर्ल्ड का जो एब्सर्ड अनयूजुअल और जो स्ट्रेंज एलिमेंट्स है उसके ऊपर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पेंटेड इन 1931 इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ सरियलिस्ट मूवमेंट। द बेयर लैंडस्केप एंड कामनेस डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग could be regarded as life after all was. After all humans have died, the only objects in the painting that give life and which can be associated with people are the melting clocks. In this painting, the melting clocks look very realistic and create the sense of disturbed mind which we all see in most of his paintings. Dali's own style was academic and precise, but his subject matter was from his dreams or nightmares. The unconventional grouping of objects in Dali's pictures has a symbolic meaning. These soft washes create new and unpleasant images and scroll over another as they would over rotting food. Their forms create a jewel-like ornament covering the wash surface. All his paintings create a different kind of pictorial language. None of Dali's paintings represent reality. They look as if nothing more than a few objects here and there which are out of place. The persistence of memory in 1931 mein paint kiya aur ye painting ek fine example hai surrealist movement ka. Unhone kya kiya, is painting mein ek bare landscape banaya, usme shanti chhaya hua tha aur inhone isme kya regard kiya ki jo words ke baad jo bhi life hai वो इस तरह का हो जाएगा। जितने भी ह्यूमन से जब वो मर जाएंगे तो उनका जीवन कुछ इस तरह से होगा और वही एक ऑब्जेक्ट था जो उन्होंने पेंटिंग में बनाया कि एक लाइफ दे सकता है जो पीपल के साथ एसोसिएट करता है, वो है एक मेल्टिंग क्लॉक। उन्होंने इस पेंटिंग में किया कि मेल्टिंग क्लॉक को बनाया जो कि रियलिस्टिक दिखता था। उन्होंने क्रिएट किया एक सेंस डिस्टर्ब माइंड का जो कि हम लोग उनके ज्यादातर पेंटिंग्स में देखते हैं। डालीज का अपना स्टाइल था, उन्होंने खुद के सब्जेक्ट चूज करके सपनों के ऊपर या फिर जो रात में बुरे सपने आते हैं उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स बनाया था। उनका जो अनवेंचर ग्रुपिंग था ऑब्जेक्ट जो डाली अपने पेंटिंग्स में बनाया करते थे उसका अलग ही एक सिंबॉलिक मीनिंग निकलता था। उन्होंने ये जो सॉफ्ट वॉचेस क्रिएट किया था वो अनप्रिजस इमेज को रिप्रेजेंट करा था। उन्होंने एक पेंटिंग में क्या लिखा है कि जो एंट है वो जमीन पे रेंग रहा है एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि सड़े हुए भोजन पे जो चीटियां लग जाती है उस तरह से। और इस तरह से उन्होंने दिखाया कि एक ज्वेलरी का या फिर जो ऑर्नामेंट उस तरह से एक वॉश सरफेस पे उसने कवर कर रखा है एंट ने। और इनके जितने भी पेंटिंग्स थे वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्टोरियल लैंग्वेज को क्रिएट करते थे।
डालिस का जितना भी पेंट था वो रियलिटी से कोई भी उसका वास्ता नहीं था, सिर्फ वो पेंटिंग वही करते थे जो बस सही में वो चीज हो ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट किया करते थे। दो ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट विथ टैलेंट एंड इमेजिनेशन, ही हैड अ वे ऑफ डूइंग अनयूजुअल थिंग्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हिमसेल्फ, विच मे many a times have annoyed those who loved his art as well as his critics. His eccentric theatrical manner was as prominent as his artwork and attracted lot of public attention. He died in 1989 and left behind him fantastic works such as Billabong, Large Harlequin, Small Bottle of Rum and Honey Sweeter Than Blood. हम लोग की जो ये डैली है वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट आर्टिस्ट थे, उनके अंदर टैलेंट भी बहुत बड़ा था, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ही हाई लेवल का और यूनिक था, उनका जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अनयूजुअल चीजों से बड़ा हुआ था, वो उस चीजों की ओर ज्यादा टेंशन करते थे जो जिसका वास्तविक दुनिया से कोई भी लेना देना ना हो, और कभी कभी ये चीजें उनको परेशानी में डाल देती थी जो उनके आर्ट से प्यार किया करते थे। उन्होंने उनका जो इसेंट्रिक थिएट्रिकल मैनर था वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, उनका आर्टवर्क लोगों को अट्रैक्ट करता था और बहुत सारी पब्लिक अटेंशन उनके आर्टवर्क को मिला था। वो 1989 में डेथ कर गए और उन्हें अपने पीछे बहुत सारे अपने फैंटास्टिक काम को छोड़कर चले गए, जैसे कि उनका कुछ फैंटास्टिक वर्क है सच एज Billabong, Large Harlequin, Small Bottle of Rum एंड Honey Sweeter Than Blood, ये जितने भी चीजें वो उनकी पेंटिंग है। And now here is your in-text question 7.2. Try to solve all these questions. Before proceeding, let's see the picture of black lines painting. Here is the picture of black line paintings. Title of this topic is black lines. Medium oil on canvas. Date December 1930. Size of this painting is 4 feet 3 inch into 4 feet 3 into half inch. Artist was Vasily Kandinsky. Collection Solomon R. Guggenheim Museum, New York. General description. Vasily Kandinsky was born in 1866 in Russia. He was a famous painter and art theoretician of his time. Kandinsky is one of the founder figures of abstract painting. He laid the foundation for non-representational art in his three important series, Impressions, Improvisations and Compositions. His works were a combination of abstraction and geometry. He wanted painting to be abstract like music is, accompanied contrast. Yellow accompaniment, angular structure are some of his great works. His works had an enormous influence on the next generation of artists. वैजली कांडिस्की का जन्म 1866 रशिया में हुआ था, वो एक फेमस पेंटर थे अपने टाइम के। कांडिस्की एक फाउंडर फिगर्स थे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के, उन्होंने एक फाउंडेशन को लीड किया जो कि नॉन रिप्रेजेंटेशन आर्ट को थ्री इंपॉर्टेंट सीरीज में डिवाइड करता था, इम्प्रेशंस, इम्प्रोवाइजेशंस एंड कॉम्पोजिशंस। उनका जो काम था वो एब्स्ट्रैक्शन और ज्योमेट्रिक के कॉम्बिनेशन से चलता था। उन्होंने उनको एक ऐसे पेंटिंग बनाने की चाहत थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो, जैसे कि म्यूजिक होता है, एकम्पनीड कॉन्ट्रास्ट, येलो अकम्पेनमेंट, एंगुलर स्ट्रक्चर। उनके कुछ बड़े काम हैं और उनका जो काम है उन्होंने उससे बहुत ही इनर्मस ढंग से इन्फ्लुएंस करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट के लिए बनाया था। Black lines was done by Kandinsky in the year 1913. As the name suggests, the lines looks as if they were put on with Indian ink, but actually black paint was used. In this composition, a group of lines in a particular corner added different meanings according to the arrangement. Like other paintings of this period, his work showed simplicity and pure diagrams as if skeletons have no flesh on it. The colored spots look as if applied by fingers of a giant hand and not processed. They go well with the lines and its effect. जो ब्लैक लाइन्स था वो कांडिस्की के द्वारा 1913 में किया गया था। जैसे कि नाम से सजेशन हो रहा है कि जो लाइन है वो क्या दिखा है, जो कि इंडियन इंक के द्वारा बनाया गया, लेकिन एक्चुअली में ये ब्लैक पेंट से पेंटिंग किया गया था। उनके कंपोजिशन में ग्रुप ऑफ लाइंस को पार्टिकुलर कॉर्नर पे ऐड करके डिफरेंट मीनिंग के साथ उसमें अरेंजमेंट किया गया था।
उनके दूसरे पेंटिंग्स के अलावा इस पीरियड में जो उन्होंने पेंटिंग्स किया था उसमें उन्होंने सिंप्लिसिटी और प्योर डायग्राम्स ऑफ स्केलेटन दिखाया, जिसमें एक ऐसा स्केलेटन जिसके ऊपर कोई भी फ्लेश नहीं है। उनका जो कलर स्पोज था वो अप्लाइड किया गया था फिंगर से, जियांट हैंड से, और ना कि ब्रश से। उन्होंने जो भी अपने पेंटिंग्स में कलर किया था वो हाथों के द्वारा किया गया था, ब्रश का उन्होंने यूज नहीं किया था। और ये जो लाइन है उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा इस पेंटिंग पे पड़ा है। और कांडिंस्की लाइन शेप एंड कलर ऑल हैड देयर ओन मीनिंग एंड फंक्शन फ्रीली विद इन द एरिया इन मोस्ट ऑफ हिज पेंटिंग्स लाइंस एंड स्केची एंड लुक्स एज इफ दे हैव लाइव्स ऑफ देयर ओन। ही स्पेंट लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन पेरिस वेयर ही डाइड इन 1944। जो कांडिंस्की थे उन्होंने अपने पेंटिंग का उनका अपना एक अलग ही मीनिंग निकलता था। उन्होंने लाइन शेप और कलर के कॉम्बिनेशन से एक अलग पेंटिंग बनाया था, वो भी फ्री होकर एक एरिया में। उनका जो ज्यादातर पेंटिंग्स था वो लाइंस के द्वारा स्केची था, स्केच किया करते थे और उसमें ऐसा रहता था कि उसमें जीवन है। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण पेरिस में बिताया और वो 1944 में डेथ कर गए। हियर इज योर इंडेक्स क्वेश्चन 7.3, ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से सारे इंडेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहां से सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।